पंचायत ने तुम्हारे मामले पर खूब गौर किया है। तुमने उस कुलटा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की भी आबरू सलामत न रहेगी। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा। पंचायत यह अनीति बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, इसीलिए उसने तुम पर 100 रुपये नकद और 3 मन अनाज दान लगाने का फैसला किया। पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। हम तो बिक जाएंगे, लेकिन मेरा शराब तुमको जरूर से जरूर लगेगा। हमसे इतना बड़ा जरिमाना इसीलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रख लिया, क्यों उसे सड़क की भिखारी नहीं बना दी, यही न्याय है? धनिया, तू क्यों बोलती है? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका न्याय सिर आंखों पर। पंचो, हमारे पास जो कुछ है अभी वो खलिहान में है। अभी एक दाना भी घर में नहीं आया, जितना चाहे ले लो। कैसे ले? मैं ना एक दाना अनाज दूंगी ना एक कौड़ी डाल, जिसमें भुट्टा हो चलकर मुझसे। हमें नहीं रहना बिरादरी, बिरादरी में रह के हमारी मुकद्दर हो जाएगी। धनिया, तेरे पैर पड़ता हूँ, तू चुप रह। धनिया, हम बिरादरी के चाकर हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। ये जो डांड लगाती है, सिर झुकाकर मंजूर कर। कैसे मंजूर करे? ये कोई न्याय? मैं नहीं करूँगी, देखूंगी कैसे लेते हैं डांड। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना होगा। मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा घर में और कोई चीज हो, मैं पंचों से दावा ना करूंगा। अगर पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो वो परवरिश करे, नहीं तो मैं अनाज लाता हूँ। पंचायत यही पे बर्खास्त किया जाता है।